अब क्या करोगी? ओके। अनएक्सपेक्टेडली अर्पिता स्वर्णा की बातों को सुनकर हंसने लगी। तो ये ख्याल तो उसका बार बार परेशान कर रहा था। अर्पिता पीछे मुड़ी और रूम से चली गई। मैडम आपका पानी। अर्पिता ने गर्म पानी का ग्लास उसके बेड के पास रखे टेबल पर रख दिया। बिना कुछ सोचे समझे स्वर्णा गर्म पानी के गिलास को उठाने लगी। जैसे ही उसने वो गर्म पानी के गिलास को टच किया वो जोर से चीख पड़ी, आउच। उसने जल्दी से अपने हाथ को उस गर्म पानी के गिलास से निकाला और बेड से उठ खड़ी हुई। उसने अपने हाथ की चोट को सहलाया और वापस बेड पर बैठी। गुस्से में स्वर्णा को वो गर्म पानी अर्पिता के ऊपर फेंकने का मन हो रहा था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अर्पिता बेड से कुछ ज्यादा ही दूर खड़ी थी। वो उतने डिस्टेंस से उस पर पानी फेंक नहीं सकती थी। मैडम क्या हुआ आपको? मेरी तरफ देखिए। एक बार आप मुझ पर गर्म सूप फेंक चुकी हैं, इसलिए मैंने इस बार पहले ही आपको कोई भी चीज पकड़ाने से पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, अर्पिता स्वर्णा से कहने लगी। स्वर्णा को अर्पिता की इस बात पर काफी गुस्सा आने लगा। वह अब अर्पिता को नहीं बख्शने वाली थी। स्वर्णा अर्पिता को सुनकर गुस्से में अपने दांत चबाने लगी। हालांकि उसे फिर से अर्पिता को ऑर्डर देने का मन कर रहा था, लेकिन उसे डर भी था कि वो फिर से कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देगी। लेकिन वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थी। मैडम आपने जो हेयर क्लिप मंगवाया था वो आ चुका है। स्वर्णा के घर का नौकर हाथ में एक कुरियर लिए रूम में आया। अर्पिता किसी और नौकर को देखकर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसी वक्त स्वर्णा अर्पिता की ओर इशारा करते हुए बोली, अर्पिता उसे यहाँ लेकर आओ। अर्पिता के कदम बीच में ही रुक गए। अब वो अपना पेशेंस खोने की कगार पर आ चुकी थी। अगर स्वर्णा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी तो अर्पिता भी स्वर्णा से रूढ़ हो सकती थी। अर्पिता नौकर के पास गई, उससे वो बॉक्स लिया और जाकर स्वर्णा को दे दिया। ये लीजिए मैडम आपके हेयर क्लिप। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मुझे हाथ पर चोट लगी है? मैं इधर उधर हूँ, मूवमेंट नहीं कर सकती। इसको खोलो और मुझे देखने दो। स्वर्णा काफी परेशान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे खुद से ज्यादा उस हेयर क्लिप की चिंता थी। बी केयरफुल, ये एक डायमंड की क्लिप है, अगर ये टूट गई तो तुम कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। अर्पिता अच्छी तरीके से समझ गई थी, वो काफी महंगी थी। जाहिर था कि स्वर्णा को उसकी इतनी चिंता हो रही थी। अर्पिता ने उस बॉक्स को हाथ में दिया और उसे खोलने लगी। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत खूबसूरत और महंगी हेयर क्लिप दिखाई दे रही थी। जब सूरज की किरणें उस डायमंड की हेयर क्लिप पर पड़ रही थी तो वो पूरे रूम को जगमगा रही थी। उसे बाहर निकालो और मेरे बालों पर लगाओ। स्वर्णा ने एक नजर उस क्लिप की ओर देखा। वो उठकर उस क्लिप को खुद पहनना चाहती थी, लेकिन अपनी चोट देखकर वो अर्पिता से कहने लगी। अर्पिता उसे घूरने लगी और अपनी जगह खड़ी रही। वो वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी, उसे जाकर अनन्या की ड्रेसिंग भी चेंज करनी थी। तुम ये हेयर क्लिप मेरे बालों में लगाने के बाद जा सकती हो। स्वर्णा को नजर आ गया था कि वो क्या सोच रही थी, क्योंकि वो ये चीज उसे चिल्लाते हुए बोली। जब उसने ये सुना उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अर्पिता ने बॉक्स से वो हेयर क्लिप निकाली और स्वर्णा के बालों में लगाने लगी। हो गया मैडम, अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अर्पिता एक कदम पीछे लेते हुए बोली। इससे पहले कि स्वर्णा उसे रोक पाती वो पहले ही रूम से चली गई थी। जैसे जैसे स्वर्णा को वहाँ जाती हुई नजर आ रही थी उसे और गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर से एक पेपर का पीस उठाया और अपने बालों में लगी क्लिप को निकाला। जब हाउस डायमंड क्लिप को चमकाता हुआ देखा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आने लगी। अर्पिता देखो इस बार मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, वो बड़बड़ाई। जब अर्पिता मित्तल हाउस में वापस आई उसने देखा कि अनन्या लिविंग रूम में नहीं थी। जाती वह नौकर को इस बारे में पूछने वाली थी। नौकर ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर संजय अनन्या को ऊपर लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही तुम वापस आओ तुम उन्हें ऊपर मिलो। अर्पिता नौकर की बात सुनकर ख्यालों में पड़ गई। नौकर के चेहरे का परेशानी भरा एक्सप्रेशन देखकर वो जल्दी ऊपर की ओर भागी। जैसे ही वो मास्टर बेडरूम के पास पहुंची वो उस रूम के दरवाजे को नॉक करने के लिए हिचकिचाने लगी। तभी अंदर से एक आवाज आई, कम इन।
संजय को कैसे पता चला कि वो रूम के बाहर खड़ी थी? क्या वो उसे नीचे से ऊपर आता हुआ देख रहा था? अर्पिता का दिल जोरों से धड़कने लगा जब वो रूम के अंदर आई। नौकर ने कहा कि आप अनन्या को ऊपर ले आएं। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया वो बोलने लगी। मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था, वो काफी अच्छे से सजाया गया था, सिंपल फिर भी क्लासी। वो संजय के स्टडी रूम से काफी मिलता जुलता था, एलिगेंट, लग्जूरियस और सिंपल। शायद इसलिए कि संजय ने उसे उस सूप के बाउल से बचाया था, इसलिए वो उसे रूड नहीं होना चाहती थी। वो अपना सिर झुकाए खड़ी रही। संजय ठीक सोफे के सामने खड़े हुए अनन्या के साथ खेल रहा था। उसके हाथ, दूसरे रूम में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हारा भी घाव चेक करूंगा। इससे पहले कि सही तरीके से टेम्परेचर चेक हो पाता, अपनी हंसी को रोकने के चक्कर में दीपिका जोर से खांस पड़ती है। और इसकी वजह से थर्मामीटर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये देखकर अक्षय कहता है कि जब तक अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, तब तक मैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करूंगा। रणबीर को शायद एहसास हो गया था कि दीपिका आखिर ऐसा बर्ताव कर क्यों रही है। दीपिका कहती है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, दरअसल बात यह है कि मैं आपका एक सीक्रेट जानती हूँ। ये सुनकर अक्षय चौंक जाता है और पूछता है, क्या सीक्रेट? दीपिका ने कहा कि डॉक्टर ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको जज कर रही हूँ, मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं। अक्षय कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं? दीपिका ने जवाब दिया, मैंने ना बाथरूम में कुछ नर्सेस को आपस में बात करते हुए सुना था। इसके आगे दीपिका ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी एक उंगली अक्षय की तरफ की और दूसरी उंगली रणबीर की तरफ करके इशारा किया। दोनों भाई समझ गए कि दीपिका आखिर कहना क्या चाहती है। अक्षय अपनी आंखें मलने लगा और कहता है, दीपिका जी आप जैसा सोच रही है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस आपस में वी वर फाइटिंग, हाँ मतलब हम कुश्ती कर रहे थे और एक नर्स ने हमें देख लिया और उसने सोचा कि हमारे बीच में कुछ और ही चल रहा है, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, यहाँ कुछ भी सच नहीं है। हाँ, दीपिका मामले को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मुझे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अक्षय को थोड़ी राहत मिलती है और उसने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप समझ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दीपिका कहती है, देखिए अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है तो मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अक्षय ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मन ही मन कहा, औरतों को तो भगवान भी नहीं समझा सकते। वहीं रणबीर सोफे पर बैठा बैठा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो दीपिका समझेगी कि मुझे भी लड़कों में इंटरेस्ट है और मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उठकर दीपिका के पास आ गया। दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। रणबीर दीपिका के पास गया और धीरे से उसके कान में कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? अगर ऐसी बात है तो जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा दिल क्यों धड़कने लगता है? जब मैं सोता हूँ तो तुम मुझे सपनों में क्यों आके जगाती हो? तुम क्यों आती हो मेरे सपनों में? ये सुनकर दीपिका का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रणबीर कहता है कि अब तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में हर पल क्यों सोचता हूँ? है कोई आंसर तुम्हारे पास? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ अभी भी? ऐसा कहकर वो दीपिका के जवाब का इंतजार करने लगता है।